अस्सलाम वालेकुम, क्लास 10 बायोलॉजी। इसका आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि इनहेरिटेंस, यानी चैप्टर नंबर 15 मैट्रिक का। इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, यानी वो चीज़ें, वो ट्रेट्स, वो करेक्टरिस्टिक्स जो हम जो कुछ भी अपने वालदेन से हासिल करते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसको इनहेरिटेंस में शामिल किया जाता है। तो विरासत में हम उनसे उनकी खसूसियात भी लेते हैं, उनकी आदात भी लेते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, शक्ल व सूरत, आदात हमारी बहुत ज़्यादा मिलती हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विरासत में काउंट होती हैं, इनहेरिटेंस में काउंट होती हैं। पास्ट में बहुत ह्यूमन हिस्ट्री में पास्ट में इंसान ये ज़रूर जानता था कि हमारा, हमारे वालदेन के साथ जो कनेक्शन है, यानी कि पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ जो है वो कनेक्शन होता है, मतलब कि हम ये अपनी सारी खसूसियात जो है वो उनसे रिसीव करते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, ये मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें जो है इससे हम लोग अनअवेयर थे, हम बेखबर थे। आज जो है हम जानते हैं कि ये सारा मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से जो है वो फॉलो होता है। लेकिन इस सारे काम में हमें मदद किसने दी थी, एक साइंटिस्ट है जिसका काम जो है बहुत फेमस है, जो कि है ग्रिगर मेंडल। मेंडल का जो वर्क है, इसने इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, और इसके काम की वजह से ही आज जो हम जानते हैं इस बारे में कि कौन सा मैकेनिज्म है जो फॉलो होता है, करेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो मुंतकिल होती हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेंडल के वर्क के ऊपर ही होगा, और इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कवरीज के ऊपर होगा कि किस तरह से हम जो है आज अपनी नॉलेज तक पहुँचें। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ पर इनहेरिटेंस का ताल्लुक आता है वहाँ पर जेनेटिक्स का ताल्लुक आता है, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक्स किसको कहते हैं। जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में ही पढ़ते हैं, और इनहेरिटेंस का क्या मतलब है अभी हम जान चुके हैं इस बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन यानी मुंतकिल होना खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी कि हमारे माँ बाप से हम तक उनकी खसूसियात का मुंतकिल होना, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इन ट्रेट्स को, इन करैक्टरिस्टिक्स को जो हमारे अंदर हम वसूल करते हैं उनसे, इनको हम एक और वर्ड का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेट्स, इनको हम ट्रेट्स भी कहते हैं। अब वो ट्रेट्स कौन कौन सी हैं, जैसे हम आइज का कलर लेते हैं, आई कलर, हेयर टेक्स्चर, स्किन कलर, हाइट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इनको ट्रेट्स बोलते हैं, ये हम अपने जो है वो पेरेंट्स से जो है वसूल करते हैं, और बाज़ुकात इंटेलिजेंसी भी हम उनसे लेते हैं। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं आगे, ये आज हमें पता है। इसका मैकेनिज्म जो रफ्सा हम देखते हैं कि आज हमें पता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होती हैं ये सारा इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स की वजह से हैं जो हम वसूल करते हैं। और ये क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, मियोसिस होती है, अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जो कि गैमेट्स को डिवाइड, गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाती है। तो जब ये गैमेट्स बनते हैं तो हाफ हो जाते हैं ये नंबर ऑफ हमारे क्रोमोसोम, और दोनों मेल और फीमेल्स में ये गैमेट्स बनते हैं, और फिर ये हाफ हाफ जो गैमेट्स हैं दोनों, इधर स्पर्म और एक, फर्टिलाइज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जायगोट बनता है और वो ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये आज हम जानते हैं कि इसलिए, क्योंकि हम दोनों से हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स वसूल करते हैं, इसलिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे मिलती हैं, ये आज हमें पता है। लेकिन कैसे पता है ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है क्रोमोसोम एंड जीन्स। तो इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले हमें क्रोमोसोम्स के बारे में देखना है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जीन्स जो होती हैं ये मुश्तमिल होती हैं डीएनए पे। जीन्स जो हैं ये कोड्स होते हैं जेनेटिक, जिनके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स कोड होती हैं। ये
डीएनए के ऊपर खास हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये जो जीन्स हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ की होती हैं? प्रोटीन बनाने की, प्रोटीन सिंथेसिस की। और जब ये प्रोटीन बनती है और फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस करवाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, ट्रेट की ज़रूरत में ये हमारी बॉडी में जो है वो एक्सप्रेस होती है। तो जीन की जो वर्किंग है ये कैसे होती है, इसके लिए क्रोमोसोम्स का जानना ज़रूरी है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, एवरी सेल, हर सेल के अंदर कॉन्स्टेंट नंबर पाया जाता है क्रोमोसोम्स का। और जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 23 पेयर्स की सूरत में होते हैं। और ये जो पेयर होता है इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये इस तरह से एक एंड इसका छोटा और एक बड़ा होता है यूं, और इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये 23 पेयर्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये बाद में जब गैमेट्स बनते हैं तो ये यहाँ से टूट जाते हैं, दरमियान से ब्रेक कर जाते हैं, और हाफ एक के अंदर और हाफ एक के अंदर, ये 23 एक गैमेट के अंदर और 23 जो है वो हाफ हो जाते हैं। और फिर ये जो 23 हैं ये कंबाइन होकर दोबारा से 46 क्रोमोसोम का एक जायगोट बनाते हैं, जो आगे से फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो बनाता है। अब क्रोमोसोम हमें इस हालत में सिर्फ नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग द डीएन फेज। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, यानी क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सिर्फ उस टाइम पे हमें ये इस हालत में नज़र आता है। अदरवाइज़ ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक धागों का गुच्छा है, और उस टाइम हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। तो ये एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स पेचीदा सा एक क्रोमेटिन मटीरियल है जो उस टाइम पे समझ नहीं आता बिल्कुल भी, धागों का एक गुच्छा लगता है, वो भी प्रोमिनेंट नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ गाढ़ी सी चीज़ में विस्कस हो गया, वो वहाँ पे जो है मौजूद है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा देखें डीप, तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, एक मौजूद होता है इसके अंदर डीएनए और एक मौजूद होता है इसके अंदर प्रोटीन। यानी जो क्रोमोसोम है वही डीएनए है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बनता है, और उसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन इसमें शामिल होती है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो इसकी वो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जब इस तरह की सूरत में होता है तो तभी किस तरह से होता है कि यूं डीएनए और उसके बाद ऐसे प्रोटीन के इर्द गिर्द ये रैप हुआ है यूं, यहाँ बीच में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, दरमियान में यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है जिसके इर्द गिर्द डीएनए रैप है, और लेकिन इसके दरमियान में यहाँ पे भी ये डीएनए है और इसके इर्द गिर्द भी डीएनए मौजूद होता है। तो जब हम इसके अपीयरेंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक मोतियों की माला है, तो उस तरह की जो है ये हमें अपीयरेंस देता है उस टाइम पर। तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा दोबारा मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद इसका डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेंगे। हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है वो फॉलो करता है क्रोमोसोम और डीएनए के ऊपर लाई करता है। अब क्रोमोसोम्स और डीएनए क्या है? क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और उसके अंदर हदायत छुपी हुई होती हैं, और वो हदायत प्रोटीन्स बनाती हैं, और वो प्रोटीन बाद में जाके हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होती हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारे हर सेल के अंदर एक कांस्टेंट नंबर, यानी एक जो है वो परमानेंट नंबर है मौजूद होता है क्रोमोसोम का, पेयर की सूरत में वो मौजूद होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सूरत में। और जब ये डीएनए होती है तो यही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर गैमेट्स बनाते हैं, और फिर गैमेट्स आगे से फिर फ्यूज़ करके दोबारा से जो है वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की डीएनए होती है और उससे गैमेट्स बनते हैं, इसीलिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमारे पेरेंट्स जो है वो मिलते जुलते हैं। अब इसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए का क्लियर कट स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले वॉटसन क्रिक मॉडल है, ये दो साइंटिस्ट थे, ये जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, डीएनए मॉडल इन्होंने सबसे पहले इसका एक 3D मॉडल पेश किया था, यानी वजाहत के साथ स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने उसका। और 1953 की ये बात है जब इन्होंने पहली दफ़ा इसका स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है। डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, ला तादाद,
जो अनकाउंटेबल हों, और न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको याद हो तो फर्स्ट टाइम हमने बायोलॉजी में पढ़ा था चैप्टर नंबर सेवन क्लास नाइन में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये हमारी बायो एनर्जेटिक्स में काम करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में पहुंचाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि इसमें एक 5-कोऑर्डिनेट राइबोस शुगर होती है, इसके अलावा यहाँ पे जो है इसके नाइट्रोजनस बेस लगी हुई होती है, और दूसरी तरफ इसके फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का जो है वो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो उस टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो हमने एटीपी के बारे में पढ़ा था, जो कि एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट थी, और उसको एटीपी इसलिए कहा था क्योंकि उसके साथ ये एडेनाइन अटैच थी, ये नाइट्रोजनस बेस। तो ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन सब का स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है, इस नाइट्रोजनस बेस पे। जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होगी वही उसी मुताबिक जो है न्यूक्लियोटाइड का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। अब बात आई जहाँ पे डीएनए की, तो डीएनए के अंदर 5 किस्म की जो है वो नाइट्रोजनस बेस होती हैं, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, जो पांचवी है वो आरएनए में पाई जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है। ये 4 किस्म की डीएनए है जो इसमें पाई जाती हैं, और आरएनए के बाद में है आरएनए, आप उसकी उसको टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन बेस पाई जाती हैं, और इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी स्पेसिफिक है, यानी जो एडेनाइन है वो सिर्फ थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन है वो सिर्फ जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने जो आया था वो एक डबल हेलिक फॉर्म में आया था, यूं इस तरह से। और जब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर इसने कैसे बनाया था, तो इसकी ये जो बैकबोन है ये सारी राइबोस शुगर से मिलके बनती है, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अगले राइबोस शुगर के साथ अटैच हो जाता है, फिर उसका फॉस्फेट ग्रुप अगली जो है वो राइबोस शुगर के साथ अटैच होता है, यानी कि ये जो इसकी पूरी बैकबोन है ये मेन, ये राइबोस शुगर के मिलके बनी होती है। आउटसाइड इसके फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिसका एक फॉस्फेट ग्रुप अगले के साथ रिएक्शन करता है, उसका अगले, बहुत डीप नहीं जा रहे हम, सिर्फ इसका जो है एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस, कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर ही किस तरह से बना होता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ इसके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन से मिलके बनी होती है, तो उसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और उसकी अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो इसके सामने लाजमन यहाँ पे जो दूसरी होगी वो थायमिन होगी, और अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे लाजमन जो है वो गुआनिन मौजूद होगी। इसी तरह से फिर इसकी आगे से वो सीक्वेंस चलती है। दूसरी बात, इनके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे यहाँ पे इसी हालत में रहता है, इसका स्ट्रक्चर ख़राब क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप वाकिफ भी हैं। तो इनके बीच में ये बॉन्ड पाया जाता है, और ये बॉन्ड भी स्पेसिफिक होता है। एडेनाइन और थायमिन के बीच में जो है वो डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरी अरेंजमेंट होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ये जो है एक जीन को कैरी करते हैं, इसके अंदर ये हिदायत छुपी हुई होती है इनकी अरेंजमेंट के अंदर कि ये कौन सी प्रोटीन को कोड करें, और फिर वो प्रोटीन बनती है और आगे से जो है वो बाद में एक्सप्रेस हो जाती है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि इसके अंदर हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक, इसको बॉडी में वैसे भी ये एनर्जी कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी को पहुंचाता है, और एटीपी की सूरत में तो ये हमारे अंदर स्टोरेज का काम भी करता है, एनर्जी को स्टोर करने का। इस तरह के बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एक एडेनाइन है, थायमिन है, साइटोसिन है एंड गुआनिन है, और इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी आपस में स्पेसिफिक होती है, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इस वजह से इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इसी तरह से डबल हेलिक फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। इसके बाद जो है आगे डीएनए रेप्लिकेशन है, कि यानी डीएनए रेप्लिकेट कब करता है। आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा था जब आपने सेल डिवीजन पढ़ी थी, तो उसमें हमें पढ़ा था कि उसकी इंटरफेज के अंदर एक फेज आती है एस फेज, और उस एस फेज के अंदर जो डीएनए है क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होते थे,
और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वही डीएनए भी है, यानी कि डीएनए से ही मिलके बने होते हैं। तो उसी टाइम पे जो है ये क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट करता है और ये खुलता है एक जिप की तरह, यानी इस तरह से है। तो ये एक जिप की तरह, जैसे दो जिप के एंड्स खुल जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों जो है वो खुल जाएंगे और हर कोई टेम्पलेट, न्यू डीएनए के फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट का काम करेगा, यानी जहाँ से अब दोबारा से बॉन्डिंग स्टार्ट होनी है। अब ये किस तरह से बॉन्डिंग होगी कि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच है। अगर तो यहाँ पे थायमीन अटैच है तो इसके सामने आके यहाँ पे एडेनाइन अटैच हो जाएगा, अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे आके गुआनिन अटैच हो जाएगा, गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन अटैच हो जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी और ये एक लंबी सी चेन इस तरफ से और एक इधर से नया डीएनए दो बनना शुरू हो जाएगी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, और फिर ये आगे से फिर दोबारा से अगली जिपर भी खुल जाएगी और एक डीएनए जो है वो दो आगे से बिल्कुल वैसी कॉपीज जो है वो डीएनए की बना देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।